हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज वन ऑफ ज्योमेट्रिक मेन फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर पार्ट टू। डियर स्टूडेंट, इसके एग्जांपल्स हम पहले कर चुके हैं। इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए आप एग्जांपल्स की वीडियो जरूर देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है वो हमने क्या किया था, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। तो जितने नंबर्स हैं 1, 2, 3, तो आपने लिख दिया 3 × 8 × 9, उसकी पावर 1/n 1/3, मतलब 3 है तो 3 हो जाएगा। जितने हमारे नंबर्स गिवन होंगे तो आपके पास 3, 8 के हमने फैक्टर किए 2 × 2 × 2, 9 के किए 3 × 3, उसके बाद देखा हमारे 2 है 3 और 3 भी 3 है, 3 की पावर, ठीक है। तो 2 क्यूब को सेपरेट सेपरेट कर दिया, 2³ × 1/3, इस टाइप से एक स्टेप कर लेंगे, और फिर 3³ × 1/3, 3 से 3 कट, 3 से 3 कट, यहां से बच गया 2, यहां से 3, 2 × 3, 6। नाउ द सेकेंड पार्ट इज 4, 8, 60। इसका ज्योमेट्रिक मीन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे डियर स्टूडेंट? इसमें भी आपका सेम है, nth रूट होता है किसका, जो प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। 1, 2, 3 है हमारे पास, 4 × 8 × 16, 1/3, रेस टू पावर 1/3। इसको सोल्व करेंगे, 4 को लिखा 2 × 2, 8 को लिखा हमने 2 × 2 × 2, 16 को लिखा 2 × 2 × 2, जो फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास आया, ठीक है, हमने राइट डाउन किया। उसके बाद जो 2 है ये बन रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 की पावर 9, इसके ऊपर है 1/3, 3 से 3 कट हो गया, 3 × 3 = 9, 2³ बच गया, 2³ हमारे पास किसके इक्वल है, 8 के, 2 × 2 × 2। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग। आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। आप देखो ये छोटा नंबर है, जब छोटे डिजिट है तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं इजिली, लेकिन जब बिगर नंबर होगा तो हमें क्या करना है, हमें लॉग अप्लाई करना है। जब हम लॉग अप्लाई करेंगे तो हमारा रूल क्या था, सबसे पहले हमने राइट कर लिया एक्स, उसके बाद इसका करेक्टरिस्टिक हम राइट करेंगे। करेक्टरिस्टिक कौन सा पार्ट होता है लॉग से, पॉइंट से पहले वाला, उसको करेक्टरिस्टिक, पॉइंट के बाद वाला होता है मेंटीसा। अब करेक्टरिस्टिक आप कैसे निकालते हैं, हमने उसे एग्जाम्पल्स में भी अच्छे से सीखा है। सबसे पहले आप डिजिट काउंट कर लेंगे, 1, 2, 2 में से 1 गया 1, ऐसे 2 − 1, 2 − 1, 1 × 2 − 1, ये देखो यहाँ 3 डिजिट है 500 में, 1, 2, 3, 3 में से 1, 3 − 1, 2। करेक्टरिस्टिक निकालने का फॉर्मूला यही है हमारे पास, डिजिट जितने हैं नंबर ऑफ डिजिट माइनस 1, ठीक है, 3 में से 1 गया 2, ऐसे यहाँ पर 1 है, 1 − 1, 0, 2 − 1, 1, यहाँ पे भी 3 है −1, 2, 2 − 1, 2 − 1। उसके बाद हमने क्या लगाया, पॉइंट। पॉइंट लगाने के बाद 85 का देखो जो लॉगरिथम है हमारे पास लॉग टेबल में, लॉग जो है वो 10 से शुरू होता है, तो इसमें 85 है, 85 के पीछे कुछ नहीं है, तो इट मीन्स 0। आप 85 का 0 लॉग टेबल में देखेंगे, देखिए ये हमारी है लॉग टेबल, लॉग टेबल में आप 85 का 0 देखेंगे, इस पेज पर होगा। 85 का 0 है 9294, तो हमने लिख दिया 1.9294। करेक्टरिस्टिक तो पहले लिख लेना, ये होता है मेंटीसा, जो पॉइंट के बाद वाला इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट है उसको बोलते हैं मेंटीसा। फिर उसके बाद 70 का 0 आप देखेंगे, गए आप 70 पे, 70 का जो 0 है वो है 8451, आपने राइट डाउन कर दिया। ऐसे 15 का 0, 75 का 0, इसमें देखो 50 का 0 ऑलरेडी गिवन है, अगर 50 का 0 यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो हम अपने आप 0 पुट कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बस मेन होता है हमारे पास जो हमारा करेक्टरिस्टिक है, ये 0 हो गया। उसके बाद 8 के बाद आप जितनी मर्जी 0 लगा लीजिए, 80 का 0 आप देखेंगे, फिर 45 का 0, 225 का 0, 40 का 0, 36, इन सबको हमने क्या कर दिया, प्लस, समेशन लॉग एक्स आ गया, इनको प्लस करके 17.6373। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स अपॉन एन, समेशन लॉग एक्स है ये पूरा 17.6373, अपॉन में एन हमारे पास कितने हैं, ये
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपने लिखा, 10 इसमें हो गए, सोल्व करके आया 1.7673 एंटी लॉग ऑफ, इसका आपने क्या लेना है एंटी लॉग। फिर आप एंटी लॉग टेबल में जाएंगे, एंटी लॉग में पॉइंट के बाद को कंसीडर करते हैं, उससे पहले को नहीं। 0.76 का 3 और 7 आप देखेंगे, 0.76 का 0.76 का 3 आपके पास ये है, और 7 है हमारे पास 9, इसमें 9 प्लस करेंगे आप, 5794 में 9 प्लस कर दो, 94 में 9 प्लस किया हमारा क्या आ गया 103, तो 5803 हो गया, इसको प्लस करके 5803 आपने राइट कर दिया। फिर पॉइंट कहाँ लगता है, जो यहाँ पर हमारा जो करेक्टरिस्टिक है ना इस वाले में एंटी लॉग में, उसमें 1 प्लस करना है आपको, चाहे कितना ही गिवन हो, 1 है तो 1 में प्लस कर दिया 2, तो यहाँ से 2 डिजिट के बाद 1 2, स्टार्टिंग से देखना है ना कि पीछे से, तो बाय चांस इसमें दोनों जगह सेम है इसलिए, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4th इज कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन। आपको ज्योमेट्रिक मीन लेना है, एक कंटिन्यूअस सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन है आपके पास, देखो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे आप ज्योमेट्रिक मीन को, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 आपके पास है, एफ आपके पास है एफ बी 4 8 10 6 7, आपने क्या निकाल लिया मिड पॉइंट, एम हमने निकाला 0 plus 10 upon 2 5, 20 plus 10 30 और अपॉन में 2 15, यहाँ से आ गया 25, देन 35 फिर 45। फिर हमें क्या निकालना है लॉग एम, ध्यान रखना है जो मिड पॉइंट आया उसी का लॉग लेना है हमें। पहले करैक्टरिस्टिक लिख लीजिए, यहाँ कितने डिजिट है 1 1 है, 1 minus 1 जीरो पॉइंट, इसमें है 1 2 है, 2 minus 1 1 point, यहाँ पे भी 2 है सब में 1 point 1 point, उसके बाद आप 50 का 0 देखेंगे, 15 का 0, 25 का 0, 35 का 0, 45 का 0, वो आपने देख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इस f से मल्टीप्लाई, f into log m, f into log m क्या ये आया, यहाँ से this, 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 इसको सोल्व करके पूरा आ गया 47.208 0208। हमने फॉर्मूला लगाया ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ इंटू लॉग एम अपॉन समेशन एफ, ठीक है। एफ क्या आपके पास, देखो यहां से सोल्व करके एफ इंटू लॉग एम तो इकट्ठा है 47.0208, जो समेशन एफ है वो है हमारे पास 35, 35 से डिवाइड करने के बाद आया 1.34345। अब आप क्या करेंगे, 0.34 का 3 और 4 आपने देखना है, 0.34 का जो 3 और 4 देखा वो आया 2204। उसके बाद आपने पॉइंट कहाँ लगाना है, ये जो हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक है ना पॉइंट से पहले वाला डिजिट है उसमें 1 प्लस करना है, 1 में 1 प्लस किया 2, तो 2 डिजिट के बाद 1 2 डिजिट के बाद। नाउ ओके, फोर्थ क्वेश्चन था डियर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स आपके पास है, एफ बी है, डिस्क्रीट सीरीज है एक, तो हमने क्या किया एफ लॉग एक्स निकाला, लॉग एक्स हमने इस वाले का लॉग एक्स लेना है। पहले करेक्टरिस्टिक, इसमें कितने डिजिट है 1 1 माइनस 1 0, इसमें कितने है 2 2, में से 1 गया 1, इसमें भी 2, इसमें भी 2, सब में 2 2 है, 2 1 point 1 point आ गया। 80 का 0 दिस, 10 का 0, 12 का 0, 14 का 0, 16 का 0, 18 का 0, लॉग टेबल में से आप देखेंगे इसको। लॉग टेबल में से देखने के बाद हमारे पास फिर आप क्या करेंगे, एफ से मल्टीप्लाई, एफ इंटू लॉग एक्स, हमने इसकी इससे मल्टीप्लाई की, फिर इसकी सबसे मल्टीप्लाई कर दी, समेशन एफ लॉग एक्स आ गया हमारे पास 53.6356। उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया ज्योमेट्रिक मीन ऑफ समेशन एफ इंटू लॉग एक्स अपॉन समेशन एफ, इसको सोल्व करके हमारी इसकी पुट करने के बाद अपॉन में 50 सोल्व करने के बाद आया 1.072। फिर हमने क्या किया, 0.07 का 2 देखा वो था 1180, फिर हमने 1 में 1 प्लस कर दिया 2, 2 डिजिट के बाद आप क्या लगा देंगे पॉइंट। नाउ आगे पीछे थोड़ी सी क्वेश्चन हो गए हैं ये। क्वेश्चन नंबर 6th इज
द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 28.6. इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वॉज रिकॉर्डेड 23.4 इंस्टेड ऑफ 32.4. अप्लाई एप्रोप्रिएट करेक्शन एंड कैलकुलेट करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन. तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल वाला. nth टर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर. तो हमारा x1, x2, x3 अप टू x की पावर 10, x10 तक है 10 आइटम. ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, x1 इंटू x2 इंटू x3 x10 1/10. ठीक है, nth हो गई 1/10, 10 टर्म्स है क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशंस है. अब ये जो ज्योमेट्रिक मीन वो गिवन है हमें 28.6, ये इसकी पावर रेसिप्रोकल होगी 1/10 से 10/1, x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू x/10. अब करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, देखिए करेक्ट अगर हम इनकी वैल्यू देखें x1 x2 x3 अप टू x10 की वैल्यू क्या होगी, करेक्ट वैल्यू. ये इनकरेक्ट वैल्यू है अगर हम बात करें. 28.6 जो है इनकरेक्ट वैल्यू है. अगर इसकी करेक्ट वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, इनकरेक्ट इंटू करेक्ट आइटम अपॉन इनकरेक्ट आइटम. करेक्ट आइटम आपके पास है 32.4 और इनकरेक्ट आपके पास 23.4. अब आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देनी है करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन में. करेक्ट वाली वैल्यू 28.6 इंटू 32.4 अपॉन 23.14. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड हमने लॉग अप्लाई किया तो ये बन गया लॉग करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 1/10 लॉग 28.6 इंटू 32.4 अपॉन दिस. ये पूरा कप एज इट इज. अब 1/10 को हमने बाहर रखा, इस वाले में लॉग अप्लाई किया तो 10 लॉग 28.6. ये वाला m अपॉन n है, लॉग m माइनस लॉग n, 32.4 माइनस लॉग 23.4. देखिए इसकी जो वैल्यू है हमने वैल्यू पुट कर दी 1/10, 10 इंटू लॉग 28.6 की वैल्यू ये है, फिर 32.4 की, 21.4 की. इनको सोल्व करके आ गया हमारे पास 14.7053. ये आने के बाद 10 से डिवाइड किया तो 1.4703. अब ये लॉग की वैल्यू है, लॉग करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन की दिस. लेकिन हमें तो करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन चाहिए ना कि लॉग करेक्ट लॉग की वैल्यू. तो उसके लिए लॉग किससे कैंसिल होता है, एंटी लॉग से. इसलिए हमने टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड एंटी लॉग लगाया, एंटी लॉग, फिर ये लॉग करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस. ये इससे कट जाता है लेकिन काटना नहीं है. करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा आपके पास, 0.47 का 0.5 देखेंगे वो बन रहा है 2954. यहाँ कितना अक्षर, 1 के 1 प्लस कीजिए 2, तो 29.54 आपका आंसर आ गया. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ सिंपल ऑफ 4 आइटम इज 100 एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अनदर सैंपल ऑफ 8 आइटम इज 3.1616. कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन आपको फाइंड आउट करना है. n1 आपके पास है 4, उसका ज्योमेट्रिक मीन है 100. n2 है आपके पास 8, उसका ज्योमेट्रिक मीन है 3.161. कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है एंटी लॉग ऑफ n1 इंटू लॉग ज्योमेट्रिक मीन 1 प्लस n2 इंटू ज्योमेट्रिक मीन 2 अपॉन n1 प्लस n2. अब आपने क्या किया, n1 के प्लेस पर हमारे पास 4 है इंटू लॉग 100 प्लस n2 के प्लेस पर 8 इंटू लॉग 3.161 अपॉन में n1 प्लस n2, 4 प्लस 8 आ गया आपके पास 12. उसके बाद हमने क्या किया, एंटी लॉग ऑफ 4 इंटू, देखो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा 100 का, कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 3 में से 1 गया 2, 2 पॉइंट. फिर 10 का 0 जब हम देखते हैं वो होता है हमारा 0 ही. प्लस 8 इंटू 3 है, इसमें एक ही डिजिट है पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले से ही हम करेक्टरिस्टिक देखते हैं तो 3 के में से 1 डिजिट में से 1 गया 0, 0 पॉइंट. अब हमने देखा 31 का 6 और 1, 31 का जो 6 है वो आया 0.4998. फिर हमारा इसको 4 टू जा 8, 8 की मल्टीप्लाई करके दिस अपॉन में 12, तो 12 अपॉन 12 बन रहा है अप्रॉक्स 1 आ गया. एंटी लॉग क्या आएगा 1 का हमारे पास, 1.00, 0.00 का 0 ही होता है, इसलिए हमारे पास आ गया था 1000. 1000 के बाद आपने पॉइंट से पहले कितने अक्षर हैं क्या लिखा हुआ, 1, 1 में 1 प्लस करो 2, तो
तो टू डिजिट के बाद आप अप्लाई करेंगे, आंसर ज्योमेट्रिक में आपका आ गया 10. दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, और वीडियो को प्लीज शेयर करते रहा करो, मोटिवेशन मिलता है. थैंक्स अगेन.